नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश चौहान यूट्यूब गाजीपुर फंडरचल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज प्रकृति के एक ऐसे पौधे एक ऐसे फल के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिसका नाम है सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा और प्रत्यक्षदर्शी बने होंगे दोस्तों, महिलाएं जो है श्रृंगार करने के लिए दोस्तों सिंदूर लगाती हैं। तो सिंदूर किस प्रकार सही है किस प्रकार गलत है दोस्तों, वो जो मार्केट से जितने भी सिंदूर आते हैं दोस्तों, सब आर्टिफिशियल हैं, जो कि मानव द्वारा निर्मित है दोस्तों, जो कि बहुत ही हानिकारक है, उसमें बहुत ही हानिकारक केमिकल होते हैं दोस्तों। तो मैं प्रकृति के गोंद से ले आया हुआ दोस्तों एक ऐसा पौधा है जिसका नाम है दोस्तों सिंदूर प्लांट। तो मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, ये सिंदूर प्लांट का ये पौधा है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, और इसका गुच्छा है और इस पर ये हल्के हल्के दोस्तों ये रुए निकले हुए हैं। इसके अंदर जो बीज हैं दोस्तों, उस बीज को आप जब हाथ पे लेके दोस्तों रब करेंगे, रब करने के पश्चात दोस्तों ये अपना कलर दिखाना शुरू कर देगा, यानी कि ये कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों कि ये पक्का ओरिजिनल सिंदूर है दोस्तों। पर दोस्तों ये सिंदूर जो है कि हिमालय क्षेत्र में दोस्तों पाया जाता था, लेकिन दोस्तों अब इसको ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों अब जो है कि हर स्टेटों में दोस्तों इसको अब जो है कि उगाया जाने लगा दोस्तों। बिहार में विशेषकर दोस्तों इस पौधे को उगाया जा रहा है दोस्तों, इसकी भारी मात्रा में दोस्तों इसकी खेती की जा रही है, और दोस्तों ये पूर्वोत्तर में भी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाने लगा है दोस्तों। दक्षिणी भारत में दोस्तों, ये हमारे भारत में दोस्तों बहुत ही प्रचलित रूप से जो ये जो सिंदूर है दोस्तों, ये प्रचलित रूप से दोस्तों ये पैदा किया जा रहा है, जिससे कि जो है कि प्राकृतिक तरीके से इसको यूज किया जाए, जो कि महिलाओं के जो दोस्तों जो लगाती हैं उस पर कोई साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि दोस्तों जो ओरिजिनल सिंदूर होता है दोस्तों, उसको कई प्रकार के जो दोस्तों पूजा में भी यूज किया जाता है, माता को चढ़ाया जाता है दोस्तों, कुछ महिलाएं इसको श्रृंगार करती हैं, कहीं कहीं दोस्तों बहुत बड़े प्रोग्राम में जैसे दोस्तों पूजा पाठ होता है तो उसमें भी यूज किया जाता है। तो जब भी आप लोग यूज करें दोस्तों, अगर मिलता है आपको ये ओरिजिनल सिंदूर अगर पूजा पाठ के लिए दोस्तों, तो इसको ओरिजिनल सिंदूर लेके आए दोस्तों, क्योंकि महिलाएं अगर इसको लगाएंगे दोस्तों इस सिंदूर को, तो उनका जो त्वचा दोस्तों बिल्कुल ही फ्रेश रहेगा, मतलब ख़राब नहीं रहेगा, क्योंकि जानते हैं दोस्तों सिंदूर बहुत ही खतरनाक होता है और जहरीला होता है। वो जहरीला वही होता है दोस्तों जो सिंदूर केमिकल अभिक्रिया करके बनाया जाता है दोस्तों, जो केमिकल से तैयार किया जाता है दोस्तों, वो नुकसानदेह होता है, और जो नेचुरल होता है दोस्तों ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता है दोस्तों। इसको निगलना नहीं है दोस्तों, उसको लगाना है और इसको पूजा करना है दोस्तों, और अपने जो महिलाएं अपने श्रृंगार के लिए लगा सकती हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसका कली इसका फली कितना बढ़िया है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों ये हर्ट के आकार का, जिसको दोस्तों हम लोग दिल बोलते हैं, दिल के आकार का दोस्तों, लेकिन इसके ऊपर दोस्तों रोएँ और हल्के हल्के दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बाल टाइप निकला हुआ है दोस्तों। इसके कवच को दोस्तों ये सेफ्टी प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ये रोएँ दोस्तों कोई भी जानवर इसको नहीं खा पाता है दोस्तों, ये बहुत ही फायदेमंद होता है, मानव निर्मित नहीं है दोस्तों, ये प्रकृति निर्मित है। तो आप लोग को मैं दिखा दिया दोस्तों ये सिंदूर का पौधा, जो कि बहुत ही फायदेमंद पौधा है। तो महिलाएं इसको यूज करें, पूजा पाठ में इसको यूज करें दोस्तों। अगर आप इसको घर उगाना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके बीज को लाइए अपने घर पर लगाइए या कलम करके लगाइए दोस्तों, जो कि बहुत ही फायदेमंद होगा, और इससे दोस्तों आप अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। तो ये किसान भाइयों के लिए भी फायदेमंद चाहिए दोस्तों, और महिलाओं के लिए भी फायदेमंद दोस्तों, और जो है पुरुषों के लिए भी फायदेमंद, और पूजा पाठ के लिए भी फायदेमंद दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया दोस्तों कि ये बहुत ही जो है कि अमेजिंग प्लांट है दोस्तों, अमेजिंग जो है कि ये फल है सिंदूर का, और इसके दोस्तों ये फलियाँ हैं, आप लोग देख सकते हैं ये फलियाँ, मैंने इसको फाड़ के निकाला तो इसकी फलियाँ में दाना लगे हुए हैं दोस्तों, इसी दाना में दोस्तों सिंदूर पैदा होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। इस दाना को मैं फिर आपको दिखा दूँ दोस्तों, ये दाना आप देख सकते हैं, मैं इसको रगड़ूंगा तो यहाँ से दोस्तों आप लोग ये निकल गया सिंदूर। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग को, मैं वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जो नई जो मेरे चैनल देख रहे हैं दोस्तों, मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें दोस्तों, और ऐसे ही मैं आप लोग को नया वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।